मॉनसून लौट कर जा चुका है और अब बारिश लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, पर यूपी के कई इलाकों में अभी भी गर्मी बरकरार है। उमस और बढ़े हुए तापमान से लोग परेशान हैं। बारिश की संभावना लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। नवरात्र के आगाज के साथ जहां गुलाबी सर्दियां दस्तक दे देती थी, लेकिन यूपी में अभी भी गर्मी और उमस का ही कहर है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन यूपी के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार रहा। बात करें बीते दिन सबसे ज्यादा तापमान वाले जिले की, तो बकौल मौसम विभाग सर्वाधिक तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और ये था प्रयागराज में। वहीं बात करें सबसे कम तापमान वाले जिले की, तो 21.6 डिग्री का तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया। वहीं बारिश को लेकर के अलर्ट्स की बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा आज के लिए जारी किए गए पूर्वानुमान की माने तो पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों ही ग्रीन अलर्ट में हैं। यानी यूपी में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। बात जिलेवार अलर्ट्स की करें तो यूपी के तमाम जिले ग्रीन अलर्ट में हैं, यानी किसी भी जिले में भारी बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग के द्वारा नहीं जताया गया है। हालांकि कुछ जिलों में बादल छाए देखे जा सकते हैं और मौसम खुशनुमा रह सकता है। तो ये था आज यानी 4 अक्टूबर के लिए मौसम का हाल। आपके जिले में बीते दिन क्या थे हालात? क्या सर्द हवाओं की थी आहट या गर्मी ने किया था बेहाल? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।